भी जी मैंने कल पढ़ा दिया था, उसको पक्के से रिवाइज कर लीजिएगा, तभी आगे के बात थोड़ा समझ में आएगा। आज बढ़ते हैं हम लोग, तो मैंने बताया था एल्काइल के बारे में, आइसो एल्काइल, ठीक है, इसके एग्जांपल बताया था मैंने, कार्बन कार्बन थ्री बॉन्ड सेकेंडरी कार्बन पर, इसका मैंने एग्जांपल दिया था ये वाला, इस पर लिखाएंगे CH3CH CH3। फिर हमने बताया था इसमें आइसो एल्काइल में ये है आपका मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 3 होने चाहिए, तब जाके आपका क्या बनेगा, आपको आइसो वर्ड जुड़ेगा। अब ये क्योंकि कार्बन कितना है इसमें, 1 2 3 है, इसका नाम होगा आइसो प्रोपाइल, ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई थी। फिर है मान लो अगर कार्बन 4 हो तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2, फिर CH2 थ्री बॉन्ड, फिर CH3। अब वैलेंसी ही सबका बहुत फुलफिल होना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 CH CH2 फ्री बॉन्ड फिर CH3, तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, तो ये कार्बन को भी काउंट करेंगे, वो भी हम लोग पूरा पूरे नोमेनक्लेचर के लिए, नेमिंग के लिए। हम लोग कौन सा नेमिंग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिवियल नेमिंग। ट्रिवियल नेमिंग का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम बोले या हम लोग बोल रहे हैं कॉमन नेम ऑफ IPOC नेम, कॉमन नेम पढ़ते हैं। उसमें हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा था जहाँ पे आपको ऑफ एंड चेन मिलता है, फिर हमने बताया था मैंने आइसो एल्काइल जहाँ पे आपको एक फ्री बॉन्ड होना जरूरी है। फ्री बॉन्ड का मतलब होता है जैसे मान लीजिए CH4 है, जैसे मान लो CH4, इसका नाम होता है मिथेन, अगर इस मिथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किए तो बन गया आपको CH3 फ्री बॉन्ड, इसको बोलेंगे मिथाइल, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने कल डिस्कस किया था, मीथेन से क्या बनता है मिथाइल, जब उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं। फिर मैंने बताया कि आइसो एल्काइल कैसे बनता है, ये उसके दो एग्जांपल, इसका नाम है आइसो प्रोपाइल, इसका नाम है आइसो ब्यूटाइल। ये हिमांशु ने बता रहा हूं ये सब चीजें उसने तो कल बता दिया था। हां सर हम जानते हैं, नोट कर लीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। हाँ डाउट ही है सर, अल्कलीन और अल्कलीन में कौन का प्रयोग होता है, मतलब पावरफुल, एक सेकंड, तो सबसे पहला जो होता है अल्केन बोलता है, अल्केन होता है, अल्केन जो होता है अल्की ज्यादा मजबूत होता है बॉन्ड उसका कि अल्कीन का होता है। तुमको जो पढ़ा रहे तुम उस पर दिमाग लगाना, अब इसमें यहाँ पर कहाँ से आ गया कि कौन बॉन्ड मजबूत होता है कौन बॉन्ड कमजोर होता है, हम क्या बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, तो बात मेरे काम से रिलेवेंट नहीं ना है सर, CH4 CH3 का। हाँ तो बस मीथेन से क्या बनता है, CH3 बनता है, तो उसको मिथाइल पढ़ते हैं, यही अपने काम का चीज है। अब कौन बॉन्ड मजबूत है कौन बॉन्ड वीक है वो सब अभी डिस्कस नहीं कर रहे, जब हम लोग पढ़ाते थे केमिकल बॉन्डिंग वहाँ पढ़ाए थे हम सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है पाई बॉन्ड से, क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत सारे कैरेक्टर है उसको देखते हैं हम बताते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के अकॉर्डिंग बताते हैं, sp3 sp2 sp3 में जो उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की वैल्यू है, परसेंटेज ऑफ स्कैटर है, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, बहुत सारा फैक्टर है, यहाँ वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। अब जो इसके आगे जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है सेकेंडरी अल्काइल, तो ये सब था हमारा पॉइंट नंबर 2 में, जितनी बातें मैं यहाँ लिखा हूँ बोर्ड पे। अब पॉइंट नंबर 3 है, नोट कीजिएगा, देख कर लीजिए, तो मार्कर में इंक डाल लेता हूं मैं,
हाँ क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है? CH3 CH फिर CH2 फिर CH3 आया, तो CH हम कहे नोट कर लेने के लिए, अभी समझाने के लिए फिर और डिटेल में जाना पड़ेगा, तो कल का लेक्चर देखो अगर समझ में पूरा आएगा, कल डिटेल से पढ़ाते हैं 1 घंटा। अभी बस नोट कर लीजिए, कल का लेक्चर देख लीजिएगा, और जो अभी हम आगे पढ़ाने वाला है ना वहाँ से चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक, वो तो लिख लिया होगा। ठीक, हो गया सर। देखो आगे क्या बताने वाले, तुम तो गायब है, गजब है, मतलब ड्रामा बाज है सबके सब, ये को रहे एगो भाग जाओ, ये को रहो एगो भाग जाओ, मिटा रहा हूँ इसको। अगला क्या है, मेरा नाम है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, ये है मेरा सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल। अब अल्काइल का मतलब तो बता दिया मैंने कि जब भी कोई भी अल्केन ग्रुप से, अल्केन से क्या बन जाता है, एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो बनता है अल्काइल, समझ लेना। अल्केन का मतलब होता है CnH2n+2, या हो सकता है CnH2n, या हो सकता है CnH2n-2, इन सब में से जब भी एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, अल्काइल बनेगा। अब पढ़ रहा हूँ मैं सेकेंडरी अल्काइल के बारे में, अल्काइल के 3 एग्जांपल हो गए, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, तीनों पे कल डिस्कशन हुआ था। अब कहता है सेकेंडरी अल्काइल का मतलब, एग्जाम्पल लेते हैं, कम से कम बोलेंगे इन सेकेंडरी अल्काइल होने के लिए, सेकेंडरी अल्काइल होने के लिए, होने के लिए कम से कम, कम से कम 4 कार्बन चाहिए, 4 कार्बन होना चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला था, आइसो अल्काइल में, इसे मिटा दिया मैंने, आइसो अल्काइल मैंने लिखवाया है मिनिमम 3 कार्बन होगा तभी आइसो अल्काइल पॉसिबल है, 2 कार्बन में पॉसिबल नहीं है। अब सेकेंडरी अल्काइल होने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, तो 4 कार्बन, तो 4 को चाहो तो तुम ऐसे नंबर में लिख सकते हो, 4 कार्बन नेसेसरी। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, इस टाइप से RCH R- इधर R और इधर R, 1 2 3 4 5 ज्यादा हो गया, मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए। और कैसा कार्बन है हमारा ये, तो ये नाम लो R" ये एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, तो बोलेंगे ऐसा कार्बन जो 3 अलग कार्बन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। और वो मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, ये मान लो CH3 है, ये हो सकता है ये भी CH3 हो सकता है, ये भी CH3 हो सकता है। तो अगर ये CH3 CH3 CH3, ये सब कार्बन कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो बोलेंगे ये कार्बन जो है हमारा वो 3 डिग्री का कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन का मतलब होता है वो कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको बोलेंगे 3 डिग्री का कार्बन। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस टाइप से फिगर बना रहे हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ये कैसा कार्बन है, 3 डिग्री का कार्बन है। अगर मान चलो ये कार्बन नहीं होता तो ये कितने डिग्री का कार्बन होता है, तो बोलते हैं ये 2 डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री का कार्बन है। अगर मान लो कि ये भी कार्बन नहीं होता, फिगर ऐसा होता, तो ये कौन सा कार्बन होता है, तो बोलते हैं हम लोग ये है 1 डिग्री कार्बन, कौन, ये है मेरा 1 डिग्री का कार्बन, 1 डिग्री का कार्बन है। आ रही बात समझ में, 2 डिग्री कार्बन, फिर 1 डिग्री का कार्बन, और ये 3 डिग्री कार्बन, मतलब 3 डिग्री मतलब 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ये इसके लिए जरूरी है। मतलब ये कितना डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन। और जब आइसो बनता है, इसी पिछले वाला केस, उसमें आता है सेकेंड डिग्री कार्बन होना चाहिए, तो टर्शियरी कार्बन तब मिलेगा जब हमारा सेकेंडरी अल्काइल होना चाहिए, तब हमारा बनेगा, तब हमारा बनता है सेकेंडरी अल्काइल। ठीक है, अब ये दोनों जो R और R है वो एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं,
इनकी पॉसिबिलिटीज क्या हैं? अच्छा ये समझ में आ गया नहीं हिमांशु, ये 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन कैसे पहचानते हैं? जो कार्बन से फ्री बॉन्ड अटैच हो ये उस कार्बन बॉन्ड सही बात है, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 2 को लेते हैं तो उससे कम होता है, एसपी बनता है। इसमें वही है कि 3 को कार्बन पे 2 डिग्री होगा, 2 कार्बन पे 1 डिग्री, 4 पे 3 डिग्री या 5 पे फिर 4 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब समझ रहा है बात को, मोटा मोटी है ना? ठीक है, तो अब समझ गया, इसको मिटा दे रहा हूँ फिर तो। हाँ तो आप लोग नोट क्या कीजिएगा, इस ढंग से नोट कीजिएगा क्या लिखिएगा बता रहा हूँ। इन आर और आर में रिलेशन क्या हो सकता है? दोनों इक्वल हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, और दोनों की वैल्यू CH3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। उस केस में जब ये वाला पार्ट नहीं होगा तब, अगर मान के चलो आर और आर इक्वल है तो क्या होगा, CH3 CH3 होगा, पहला केस सेटिस्फाई। जब आर और आर इक्वल हो तो CH3 CH3 है, तो क्या मेन चेन में कार्बन 3 हो पाए, मतलब सॉरी मेन चेन में कार्बन टोटल 4 कार्बन हो पाए? नहीं पॉसिबल हो पाए। तो बोल रहे अगर इक्वल हो जाता है ये और ये तो बोलेंगे टोटल कार्बन कितने हो गए हमारे पास, 2nd डिग्री कार्बन बन गया, तो 3 डिग्री कार्बन नहीं बना। तो बोल रहा है कि ये वाला केस में ये टर्शियरी कार्बन नहीं बन पाएगा। फिर ये वाला केस में आएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इक्वल नहीं होने चाहिए तो क्या नहीं होनी चाहिए, तो बोलेंगे CH3 के अलावा कुछ भी चलेगा। जैसे मान के चलो ये CH3 है और ये बन जाए CH2 स्टेप से, CH2 और CH3, देखो कार्बन कैसा दिख रहा है, CH3 CH प्री बॉन्ड CH2 CH3, मेन चेन में 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब ये कैसा बन रहा है हमारा सेकेंडरी अल्काइल के तौर पे, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल इसको बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन वो 3 डिग्री तो बना नहीं। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ टेक्स्ट बुक का, इसको नोट कर लीजिए पहले, ये तीनों केस लिखिएगा, इस फिगर को बना लीजिएगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। देख लिए, पेज नंबर 341 पे जाइए, एनसीईआरटी पेज नंबर 341, ठीक है, उसमें जाइएगा आपको मिल जाएगा, एक एग्जांपल लिखा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल का, तो वो एग्जांपल यही वाला दे रखा है, देखिएगा जाके पेज नंबर 341 पर एग्जांपल दे रखा है सेकेंडरी, इसका नाम क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल के केस में जाइएगा तो आपको दिख जाएगा कि आपको इस कार्बन के एक सेट का कार्बन का नेचर अलग है, इस सेट का नेचर का अलग है, तो हम बोल रहे हैं ये वाला केस सेटिस्फाई होने पर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं बन पाएगा। अगर वो ये वाला केस रहेगा तो ये पॉसिबल है। इस केस का मतलब है कि जो दोनों जो ग्रुप इसके साथ अटैच हों इस कार्बन के साथ, वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, अगर एक जैसे हो जाएंगे तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं बन पाएगा। और ब्यूटाइल के कम से कम जरूरी कितने हैं, 4 कार्बन की जरूरत ही है, ठीक है। अब नोट कर लीजिए और पेज नंबर 344 को एग्जाम्पल वहां पे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वो चीज, एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है ये वाला। तो जो इसका जरूरत नहीं है उसको मिटा दे रहा हूं। इस वाले को नाम दिया है R, इस वाले को नाम दिया है उसने R डैश, ये है R, वो है R डैश। अब बोल रहा है कि R जो है डज नॉट इक्वल टू R डैश होना चाहिए, सर अगर यहाँ पर भी CH2 CH3 आ जाता तो हो जाता क्या, हो जाता, पर क्या नहीं होने पे नहीं होगा, अगर CH3 CH3 होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ भी CH2 जो यहाँ पे दिख रहा है मॉलिक्यूल वही चीज़ यहाँ अगर मैं रिपीट कर दूँ, पहले इसको कॉपी कर लो फिर मैं बता दो वेरिएशन क्या है।
हिमांशु जरूर इसको शॉर्ट में लिख लेना तुम भी अपने कॉपी में साइड में, हमारे लिए लिख रहे। उस पर लिख लिया सर? लिख लिया। ठीक मिटा कुछ नहीं रहा हूँ, बस मैं चेंज कर रहा हूँ, जो लोग नोट कर नोट करते रहिए। मैंने इसके अलावा यहाँ पे दो तीन केस और लिखे थे, उस केस का क्या मतलब था वो समझ लीजिए। ये था केस नंबर तीसरा था मेरा, इसी में ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिखा है आर और आर डैश, उसका दो केस क्या था, आर इक्वल्स टू आर डैश। ये कब पॉसिबल है, जब इसमें कम से कम क्या हो, सी एच थ्री को छोड़ के कुछ भी हो, जैसे मान के चलो इसको मैं हटा के क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सी एच टू लिख रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ सी एच थ्री। अब ये रूट पॉसिबल है यहाँ पे क्योंकि इसमें मिनिमम कार्बन चार चाहिए तभी वो सेकेंडरी एल्काइल बन सकता है। तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री पॉसिबल है, दोनों बिल्कुल इक्वल है, इक्वल है। क्या वो सेकेंडरी एल्काइल बनेगा? जरूर बनेगा। इसका नाम क्या होगा? तो बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पेंटाइल, एस ई सी सफिक्स और पेंटाइल। सर और भी क्या हो सकता है, यहाँ पे चाहो तो एक और मॉलिक्यूल बढ़ा लो, सी एच टू से इधर पहले बढ़ा लो सी एच टू, इधर कर लो सी एच थ्री। अब यहाँ पे हो गया सी एच टू, अब क्या नाम पड़ गया, एक दो तीन चार पाँच छः, कितने कार्बन, छः, तो बोलेंगे सेकेंडरी हेक्साइल। अच्छा मैं सेकेंडरी हेक्साइल लिख रहा हूँ मैं, एच ई एक्स एच ई एक्स वाई एल हेक्साइल, सेकेंडरी हेक्साइल जब लिख रहा हूँ मैं तो क्या देख रहा हूँ मैं फिर से, अब ये कौन सा केस बन गया, ये इसके इक्वल नहीं है, तो क्या बोलूंगा सेकेंड केस क्या है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये भी केस पॉसिबल है। ठीक है, और कौन सा केस नहीं लेना है, बस जब यहाँ पे सी एस थ्री हो जाए और सी एस थ्री आर के इक्वल और सी एस थ्री आर डैश के इक्वल, ये वाला केस हमें नहीं लेना है। ये है केस नंबर टू, जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट इसमें ना आए, अगर आएगा तो वो सेकेंडरी अल्काइल नहीं कहलाएगा, वो आइसो अल्काइल बन सकता है लेकिन सेकेंडरी अल्काइल नहीं बन पाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। मिटाओ। हाँ सर। अगला है हमारा, अब ध्यान लीजिए जो मैं बता रहा हूँ ना, आईपीएस से ज़्यादा मुश्किल हमको यही लगता था, काहे कि इसमें जो भी चीज़ है ना आपको वेरिएशन खुद से खुद सोचना पड़ता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। आईपीएससी का लिमिटेड फिक्स है, इसमें क्या है आपको खुद से प्रिडिक्ट करना पड़ता है ट्रिवियल नेम को कैसे बनाया जाए, कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं, ध्यान से सुनते रहिए। केस नंबर फोर, इसका नाम है टर्शियरी अल्काइल। इसमें क्या आता है हमारा, मिनिमम कार्बन इसमें भी चार होने चाहिए, मिनिमम कार्बन कंटेंट्स फोर, मिनिमम फोर कार्बन कंटेंट्स। ठीक है ठीक है, इसका क्या बनेगा हमारा, इस टाइप से आर सी आर डबल डैश आर। अच्छा जब भी आपका टर्शियरी अल्काइल होगा तो उसमें क्या होना चाहिए, कार्बन कम से कम चार, और वो कार्बन कैसे होना चाहिए, आर आर डैश आर डैश। ठीक है, तो इसमें क्या खास बात है, उसमें नहीं है, तो इसमें बोलेंगे जब भी आपको बोले टर्शियरी ब्यूटाइल, ये किसका नाम क्या कहलाऊंगा ना, टर्शियरी ब्यूटाइल, कैसे इसके फिगर के इक्विवेलेंट फिगर बना रहा हूँ, जैसे मान लो
CH3 सी पे सेम जाइए पेज नंबर 334 पे 341 पर एक एग्जांपल दे रखा है टर्शरी ब्यूटाइल अल्काइल का, टर्शरी ब्यूटाइल लिखा हुआ है। तो टर्शरी का मतलब ही यही होता है कि उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 3 डिग्री का कार्बन होना चाहिए। तो जो पिछले वाले केस में लिखवाया था सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब वहाँ पे लिख लीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा वो सेकेंड डिग्री कार्बन था। वो फिगर क्या था अभी मैंने RCR- ये था ना, इसमें मैंने तीन केस बताया था जब R इक्वल होता है R- के, ये नाम था सेकेंडरी अल्काइल के लिए। तो सेकेंडरी वर्ड का मतलब होता है ये कार्बन कितना था, सेकेंड डिग्री, उसको चेंज कर लीजिएगा वहाँ पे, मैंने गलती से लिखवा दिया वहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, अभी चेंज कर लीजिएगा उसको। अब बोल रहा है R इक्वल्स टू R- के हो सकता है, पर क्या नहीं होना चाहिए उस केस में, CH3 नहीं होना चाहिए, R इक्वल्स टू R- लेकिन CH3 को छोड़ के, और R इक्वल्स टू R- पॉसिबल है लेकिन इसको अलावा। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो C2H5 हो सकता है, या बोल लीजिए C3H7 हो सकता है, ये सब पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। फिर तीसरा केस था मेरा वहाँ पे R डज नॉट इक्वल्स टू R-, ये सब केस में बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल बनता है, लेकिन टर्शरी बनने के लिए क्या जरूरी है, वो कार्बन 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, जरूरी है। फिर से यहाँ पे क्या केस बनेगा, तीनों का तीनों R इक्वल्स टू R-, फिर R इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ वाले केस में आपको CH3 मिलने के बाद भी वो टर्शरी कार्बन बन रहा है, तो टर्सरी में ही बन सकता है कि R इक्वल्स टू R- में अल्काइल ग्रुप में मीथेन आ सकता है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ आ सकता है, ठीक है। और अलग भी हो सकता है, इक्वल भी आ सकता है, अलग भी हो सकता है, कौन, ये जो ग्रुप जो अटैच इसके साथ, ग्रुप कौन अटैच है, ये और ये जो ग्रुप जो अटैच इसके साथ, इस कार्बन के साथ, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, नोट के लीजिए। आर कर यूज कर रहे हो, क्या चीज है आर, मतलब होता है अल्काइल ग्रुप को बोलते हैं, आल को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। इसमें आता है आपको अल्केन फैमिली के कोई भी मॉलिक्यूल हो, जैसे मान लो ये मीथेन हो सकता है के तौर पे, प्रोपाइल, हाँ, मीथेन, हाँ यही, इसी को आर बोल रहे हैं हम लोग। हो गया नोट, जिनका नोट हो गया वो हाथ खड़ा कर लीजिएगा। अभी नहीं हुआ, लास्ट पॉइंट, ठीक। हो गया ना पुष्पेंद्र, कितना टाइम लगेगा? हाँ सर, हो गया सर, रिजाइन कर दिया था, नहीं देखा था, तुम लोग तो सुता देगा हमको। अगला लिखिएगा नियो अल्काइल, ठीक है। इसमें आता है आपको कम से कम 5 कार्बन, कम से कम
पांच कार्बन होने चाहिए, मिनिमम फाइव कार्बन कंटेंट, मिनिमम फाइव कार्बन कंटेंट। मैं इसके आगे मेन चेन नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि मेन चेन में वो कार्बन कॉन्ट हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बोल रहे हैं कि उसमें पांच कार्बन होने चाहिए ओवरऑल मिला करके। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेन चेन, मेन चेन वर्ड नहीं बोल रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए कार्बन, फिर मिथाइल, CH3, 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 चलेगा दौड़ेगा। अब कहता है इस कंपाउंड को बोलेंगे पांच कार्बन है, पांच कार्बन है, इसका नाम होता है हम लोग को इसको लिखते हैं हम लोग एमाइल से, AMYL, तो अलग फैमिली में आ गया ना। इसमें क्या है, कुछ चेंजेस है, बस क्या जरूरी है इसमें, मिनिमम पांच कार्बन होने चाहिए और कार्बन कैसा बन रहा है हमारा, चार डिग्री कार्बन बन रहा है, फोर डिग्री कार्बन प्रेजेंट, फोर डिग्री कार्बन प्रेजेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग नियो अल्काइल ग्रुप का। एग्जांपल क्या है कि कार्बन कितना होना चाहिए, चार डिग्री का होना चाहिए और उसमें कम से कम पांच कार्बन होने चाहिए, तो चार बाहर से जुड़े हुए एक सेंटर में प्रेजेंट है, तो टोटल मिला के पांच, तो नियो अल्काइल बनेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, नियो एग्जाम्पल है आपको, सेम है, बस इसमें इतना से चेंज हो जाएगा। इसी फिगर को लिख करके, बस CH3 लिखा था ना मैंने, उस CH3 को हटा के लिख दीजिएगा CH2 फ्री बॉन्ड, यही फिगर दे रखा है पेज नंबर 341 पर। और मैं कह रहा हूँ पेज नंबर 341 का जो जितने एग्जाम्पल्स हैं उनको रट्टा मार लीजिए, समझ भी लीजिए, रट भी कर लीजिए, उन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम आ जाएंगे आपको हूबहू सेम चीज। इसका नाम क्या है आपको, इसका नाम है आपको नियो पेंटाइल, इस मॉलिक्यूल का नाम है मेरे पास नियो पेंटाइल, क्योंकि पांच कार्बन है, नियो पेंटाइल, ठीक है। और हर एक चीज में जो YL लग रहा है, इसका मतलब इसमें एक फ्री बॉन्ड होना दिखाना जरूरी था, इसीलिए मैंने CH2 एक फ्री बॉन्ड दिखाया है, सही है, इतना काफी है। हो गया नोट पुष्पेंद्र, हिमांशु, कोई नहीं बोल रहा है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। नेक्स्ट है मेरा हैशटैग एमाइल, तो मैंने जैसे लिखा था ना अल्काइल, वैसे एक ग्रुप बना हुआ है हमारा नाम एमाइल। एमाइल का मतलब होता है इट कंटेन्स मिनिमम फाइव कार्बन एटम, C5 का मतलब फाइव कार्बन एटम है। इसके कितने केस बनेंगे, पहले बोलेगा एक्टिव एमाइल, इसको बोलते हैं C5। दूसरा बनता है मेरा सेकेंडरी एमाइल, इसका बनता है मेरा C5, इसमें बनता है हमारा एक्टिव सेकेंडरी एमाइल, इसमें भी पांच कार्बन। फिर बनता है चौथा केस एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल, ये भी पांच कार्बन। ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये चौथा केस, ये चारों केस पॉसिबल है, एक एक करके सबको पढ़ेंगे अभी। इसमें से पहला केस है मेरा एक्टिव एमाइल, मिनिमम चेन में मिनिमम पांच कार्बन होने चाहिए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, एक एटम पे क्या होना चाहिए हमारा, मिथाइल होना चाहिए, तभी हो पाएगा वो हमारा एक्टिव एमाइल। बोल रहा है एक्टिव एमाइल होने का चाहिए कम से कम पांच कार्बन, तो 1, 2, 3, 4 और पांचवा कार्बन ये है, मिथाइल मतलब CH3 होता है, ठीक है।
तो बोल रहे इन पांच कार्बन में होना चाहिए और उसमें विथ रिस्पेक्ट टू मैं इसकी बात कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू और प्री बॉन्ड इसको बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू प्री बॉन्ड कार्बन द सेकेंड लास्ट कार्बन इज मिथाइल। सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग एमाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, एक्टिव एमाइल बोलेंगे। ये उसका डेफिनेशन हो गया। मिनिमम चेन कितना होना चाहिए कार्बन के, पांच होने चाहिए, और फ्री बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो आपका सेकेंड लास्ट कार्बन है मतलब उसके ठीक पिछले वाला कार्बन, उस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव एमाइल। दैट कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन शुड बी मिथाइल, वो मिथाइल होना जरूरी है, इसका नाम है हमारा मिथाइल। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। क्या बोलेंगे, एक्टिव पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल, क्योंकि पांच कार्बन है तो वहां पे एक्टिव अमाइल का मतलब पेंटाइल, ए फॉर पेंटाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल बनेगा, हेक्साइल बनेगा, ऐसे टाइप का बनेगा। नोट कीजिए इसको। Is called active amyl. Note कीजिएगा, मतलब इसके चार टाइप का नाम लिख लीजिए, ये फर्स्ट टाइप लिखिए, फिर बाकी टाइप बताता हूँ, एक एक लाइन में हो जाएगा सर। नोट हुआ, सर हो गया। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा, इसी में पॉइंट नंबर वन हो गया। पॉइंट नंबर टू कहता है सेकेंडरी एमाइल। क्या बनेगा, कार्बन मेन चेन में पांच कार्बन, ठीक है, और वो कार्बन का फ्री बॉन्ड यहां हो सकता है, यहां भी होगा तो भी वही कहलाएगा, यहां भी होगा वही बात कहलाएगा, लेकिन मेन चेन में कम से कम कितने होने चाहिए, पांच कार्बन होने चाहिए, तभी बन पाएगा हमारा सेकेंडरी एमाइल। इसका ये एग्जांपल है, क्या नाम बोलूंगा मैं इसका, सेकेंडरी पेंटाइल। तो स्ट्रक्चर डिसाइड करें उसका नाम क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर डिसाइड करें उसका नाम क्या बन रहा है। तो अगर यहाँ पे आपको मेन चेन में कितने कार्बन है, पांच है, और जो मिडिल कार्बन है उस पर अगर फ्री बॉन्ड होता है तो उसको बोल रहे हैं सेकेंडरी पेंटाइल। और ध्यान रहे कि इसी का नाम सिर्फ सेकेंडरी पेंटाइल है, आगे वेरिएशन दिखेगा तो समझ में आएगा तुमको। जैसे मान लो पूरा चार्ज केस देख लो तो क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि क्यों इसका नाम सेकेंडरी पेंटाइल है। इसमें आता है तीसरा पॉइंट, इसका नाम होता है हमारा एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी एमाइल। इसमें क्या है, आपको
ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो आपका सेकेंड लास्ट कार्बन है, एक्टिव सेकेंडरी अमाइन का मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपको क्या होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए, तब इसका नाम क्या पड़ेगा आपको, एक्टिव सेकेंडरी अमाइल। और इसमें इसमें अंतर क्या है, ये आपको मिडिल कार्बन में मिल रहा है, मिडिल कार्बन में प्री बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी को बोल रहा हूँ मैं फ्री बॉन्ड। कौन है ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग फ्री बॉन्ड। और यहाँ पे क्या है, वो अपने सेकेंड लास्ट कार्बन पर फ्री बॉन्ड है, सेकेंड लास्ट लास्ट कार्बन पर फ्री बॉन्ड होने चाहिए, फ्री बॉन्ड इज प्रेजेंट, एक्टिव सेकेंडरी एमाइल। फिर आता है आपका एक्सो इतना हार्ड नहीं पूछता है, जो मैंने इसे पिछले वाले केस बताया ना चारों नाम, वही बेसिकली आता है, ये सर ने कुछ ज्यादा ही बता दिया है। एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल, एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल, इसमें क्या आएगा हमारा, कार्बन कार्बन एक CH3 इधर और इधर आ गया फ्री बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल। कार्बन में जिन में दो चार है, यहाँ पांचवा कार्बन इधर है, फ्री बॉन्ड प्रेजेंट है। अब बोल रहा है यहाँ पे इसका क्या बोलेंगे, द फ्री बॉन्ड इज प्रेजेंट, सेम कंडीशन यहाँ भी है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे जो आपका है दोनों इक्वल नहीं है, इधर क्या है यहाँ पे CH3 CH2 है, बस इसका नाम ले लीजिए आप, इसका नाम क्या बोलूँगा मैं, एक्टिव आइसो, एक्टिव आइसो सेकेंडरी पेंटाइल, पेंटाइल एक्टिव आइसो सेकेंडरी पेंटाइल, इसका नाम क्या बना हमारा, एक्टिव पेंटाइल लिख तो रखा है नीचे नाम। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई और कार्बन प्रेजेंटेशन हो जाए, सी एस टी पे कुछ और कंपन हो, तो कार्बन का मेंजिन बढ़ेगा, तो यहाँ पे नाम के पीछे यहाँ पे नंबर बदलता जाएगा। अगर यहाँ पे सी एस टी पे कुछ और मॉलिक्यूल होता तो उसका नाम चेंज हो जाता, लेकिन फ्री बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए आपको इस वाले सेकेंड लास्ट कार्बन पर, तभी ये एक्टिव वर्ड और सेकेंडरी वर्ड जुड़ेगा। आइसो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो कार्बन सेकेंड डिग्री कार्बन जो जुड़ा हुआ है, सेकेंड डिग्री कार्बन पर आपको फ्री बॉन्ड है, ये भी बोल सकते हो, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए। चले आगे, अब इनका प्रैक्टिकल यूज दिखा रहा, मतलब इसको कैसे क्वेश्चन कैसे अराइज होंगे इसके ऊपर वो बताने जा रहा हूँ। इतना चीज हमने नॉलेज के लिए गेन कर लिया है, पर क्वेश्चंस कैसे अराइज होंगे वो समझते हैं अब। भले कह दो, हाँ सर, लिखते हैं। ओहो, अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अच्छा हम तो सभी लोग जानते हैं कि जब कार्बन वन प्रेजेंट होता है तो क्या बनता है, CH4 बनता है, जब उसमें से एक हाइड्रोजन निकालते क्या बनता है हमारा, CH3 बनता है, इसका नाम होता है मीथेन, इसका नाम होता है मिथाइल। जब कार्बन टू प्रेजेंट होता है तो बोलते हैं हम लोग CH3, फिर CH3 बनता है, ठीक है। अब CH3 बनता है, जिसमें अगर हम मान लो एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 CH2 बनेगा, एक हाथ खाली, ठीक है बात, इसमें भी आपको एक हाथ खाली मिलता है, इसका नाम क्या बनता है, मिथाइल, इसका नाम क्या बनता है, इथाइल,
फिर कहता है अगर कार्बन तीन परसेंट है तो बोलेंगे सी एच थ्री है, सी एच टू है, सी एच थ्री है। अब क्या होगा, इसमें एक हाथ खाली होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकलेगा तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलता है, मतलब बाहरी बाहरी जो उसका है मॉलिक्यूल उससे निकलेगा हाइड्रोजन। तो क्या लिखेंगे हम, सी एच थ्री, सी एच टू और सी एच टू, फिर फ्री बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो फ्री बॉन्ड मिलता है इन्हीं की वजह से इसका नाम बदलता जाता है, कभी मिलता है इसका ओपन चेन अल्काइल आइसो। इसका पहला नाम क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे नॉर्मली बनेगा ये, क्या नाम है इसका, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। एन इंडिकेट करता है ये ओपन चेन में है, एन इंडिकेट करता है ये ओपन चेन ऑफ प्रोपाइल, मतलब कि ये जो फ्री बॉन्ड है सबसे आखिरी कार्बन में प्रेजेंट होना चाहिए, उस केस में लिखेंगे इसका नाम एन प्रोपाइल, मतलब ये पहला पहला नाम हुआ इसका। अब दूसरा नाम क्या बनेगा इसका वो देखो, क्वेश्चन ऐसे ही अराइज होगी। अब मान के चलो ये जो फ्री बॉन्ड कार्बन है वो यहां पे आ जाए शिफ्ट करके, तो क्या होगा, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच। अब जब ये फ्री बॉन्ड यहां से उठ के यहां पे आएगा, ठीक है, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, सी एच थ्री बन जाएगा। उस केस में इसका नाम क्या बनाएगा हमारा, आइसोप्रोपाइल। क्या बनेगा नाम इसका, आइसोप्रोपाइल। अभी मैंने कहा था आइसो वर्ड के लिए कम से कम तीन कार्बन होना जरूरी है, इसीलिए एक दो तीन, सेकेंडरी वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आइसो वर्ड बोल रहा हूँ। तो ये पहला केस है जब ओपन चेन में प्रोपाइल बनेगा, ये होगा आइसोप्रोपाइल बनेगा। आइसो वर्ड क्यों आए, क्योंकि बोलेंगे ये जो फ्री बॉन्ड था वो मिडिल कार्बन में प्रेजेंट आ गया, लिखेंगे ये आ गया आपको मिडिल कार्बन पे प्रेजेंट है। तो इसलिए कह रहा हूँ एस्ट्रोजन डिसाइड करता है उसका नाम क्या होगा, एस्ट्रोजन डिसाइड करता है उसका नाम क्या होगा। एस्ट्रोजन दोनों का सेम ही है, बेसिकली जितना हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट उतना हाइड्रोजन यहाँ भी प्रेजेंट था, बस फर्क क्या हुआ, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, कार्बन कितने हैं, एक दो तीन, तो कार्बन है यहाँ पे तीन, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, तीन चार सात, तो लिखेंगे एच सेवन है सेम। और यहाँ पे कितने कार्बन, एक दो तीन, कार्बन यहाँ भी तीन है, हाइड्रोजन कितने हैं, तीन तीन छः और एक सात, यहाँ भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन दोनों का नाम क्या है, अलग बन रहा है। तो ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, देयर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर का ऐसा है जिसकी वजह से उनका नाम चेंज हो जा रहा है, यहाँ बोल रहा हूँ कुछ और, यहाँ बोल रहा हूँ कुछ और, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हमारा ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम। इसमें कोई आईपीसी का नॉलेज नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री बॉन्ड को इधर से उधर शिफ्ट करने का तरीका है। क्या हम इसमें और कोई पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, जरा मान के चलो अगर मैंने ये फ्री बॉन्ड को उठा के यहाँ पर रख दिया तो क्या बनेगा मॉलिक्यूल, सी एच टू फ्री बॉन्ड, सी एच टू सी एच थ्री। अब ये फिगर और ये फिगर दोनों एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो अगर मैं बोलूँ ये केस थ्री है तो लोग क्या बोलेगा, तो फिर केस वन क्या है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं बोलूँ केस थ्री पॉसिबल है तो बोलेगा केस वन क्या था, फिर दोनों फिगर एक जैसा है कि नहीं, बस फर्क क्या है, मैंने फ्री बॉन्ड को इधर दिखलाया, यहाँ फ्री बॉन्ड को मैंने इधर दिखलाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, वो दोनों को एक ही मानेगा, बोलेगा दोनों फिगर एक ही जैसा है, तो बोलेंगे ये केस इज रिपीटेड, क्या बोलेंगे, दिस इज केस रिपीटेड, सो नॉट रिक्वायर्ड। समझने वाली बात है, आप भी लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने इसको रोक दिया है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि तीन कार्बन में कौन कौन से नाम पॉसिबल हैं, ये नाम पॉसिबल है, ये नाम पॉसिबल है, और भी ऑप्शन दे रखा होगा, तो आपको नाम डिसाइड करेगा उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा। आता है, पूछा जाते हैं एग्जाम में।
बढ़े आगे। बढ़े आगे। एक मिनट। हो गए सर। ठीक हिमांशु। हाँ सर। ठीक है होमवर्क क्या रहेगा आप लोग को हम डिस्कस भी करेंगे कल। क्या कीजिएगा कार्बन चार के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, कार्बन पांच के लिए प्रैक्टिस करना है आपको। बस कार्बन चार के कौन कौन से नाम पॉसिबल है, जैसे मैंने बताया ना दो खेज, ऐसे देखना है कौन कौन से नाम पॉसिबल है बना के लिखाना है। कार्बन पांच के कितने नाम पॉसिबल है बना के लिख के आना है। ठीक है ऐसे स्ट्रक्चर बनाइएगा पांच कार्बन का, उसमें देखिएगा फ्री बॉन्ड यहाँ आया, फिर फ्री बॉन्ड यहाँ जंप कीजिएगा, फिर यहाँ जंप कीजिएगा, देखिएगा कि यहाँ जंप होने पे उसका नाम क्या कहलाता है। जो मैंने केस बताया है उसमें बताना है उसका नेमिंग क्या क्या बनेगा, उसको डिस्कस करेंगे कल चार कार्बन को और पांच कार्बन को। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से और ये दोनों होमवर्क लिख लीजिएगा। ज्यादा भारी होमवर्क दे रहा हूँ क्या, होमवर्क ज्यादा हार्ड हो गया क्या? अरे कोई बोले तो सही, ट्राई करना बस, हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं लेकिन कोशिश करके आइएगा। हमको उम्मीद है ज्यादा हार्ड वर्क ऑप्शन नहीं है। केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक तब है जब आप भी प्रैक्टिस कीजिए, हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ अगर मेरे बताने से हर चीज हो जाता तो फिर क्या बात थी, आप घर से कुछ लड़ के आइएगा तो उसका अलग ही इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है जो भी मैंने केस बताया है बस उसी पे बेस बनाना है, चार कार्बन के लिए पांच कार्बन के लिए क्या क्या नाम पॉसिबल है स्ट्रक्चर बनाइएगा, हाइड्रोजन रिमूव कीजिएगा उसको नेम बन जाएगा। ठीक है और मैथ्स क्लास चलिए, जो भी जो यहाँ डिस्कस हो गया वो हो गया। ठीक है पुष्पेंद्र।